लुम्बिनी में 16 मई बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की 2566 जयंती श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके पूर्व महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा का भी दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कुशीनगर दौरे के मद्देनजर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर आएंगे। सीएम योगी यहां प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई तैयारियों एवं सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेंगे। गोरखपुर आगमन के पूर्व सीएम योगी सीधे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर किए गए सभी इंतजाम का जायजा लेंगे। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। इस दौरान साफ सफाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत एवं सुरक्षा इंतजाम की एक एक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद कुशीनगर से वापस हेलीकॉप्टर से एमपी पॉलिटेक्निक ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर आएंगे। यहां से गोरखनाथ मंदिर में विश्राम करने के उपरांत अपराह्न 3:30 बजे से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क तारामंडल में लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए गोरखनाथ मंदिर प्रस्थान कर जाएंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए गोरखनाथ मंदिर लौट आएंगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में जनता की फरियाद सुनेंगे। अपने इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार या रविवार को जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। रविवार को भी सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में ही विश्राम करेंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को निरंतर तराश रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की सौगात देने आ रहे हैं। रविवार को सुबह 10:30 बजे सीएम योगी गीडा में जहां 143 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, वहीं 6 नए निवेशकों को 45.5 एकड़ भूमि आवंटन का पत्र सौंपकर 1005 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 2700 नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके पूर्व शनिवार को मुख्यमंत्री महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित समारोह के दौरान 144 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपराह्न 3:30 बजे रामगढ़ताल क्षेत्र में स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम 33.16 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उनके हाथों 111.33 करोड़ रुपए की लागत वाली आवास विकास परिषद, बाढ़ खंड और लोक निर्माण विभाग की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास वाली परियोजनाओं में ज्यादातर बाढ़ बचाव के उपायों से जुड़ी है। साथ ही गोला में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास लागत 2,16,55,000 रुपए तथा राजकीय आईटीआई चरगावा में ऑडिटोरियम लागत 4,52,00,000 रुपए के निर्माण का शिलान्यास भी सीएम योगी करेंगे। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को भी सीएम योगी के हाथों विकास की सौगात मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री गीडा में निवेश का मार्ग प्रशस्त करने को उद्यमियों को अपने हाथों भूमि आवंटन पत्र सौंपेंगे। साथ ही गीडा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। गीडा में उद्योग लगाने की इच्छा जताने वाले कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को 20 एकड़, तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 5.5 एकड़, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्टर्स ओपलवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मोटर प्राइवेट लिमिटेड तथा बुद्धा मेडिकल ट्रस्ट को 5-5 एकड़ भूमि आवंटन पत्र का वितरण सीएम योगी के हाथों होगा। इन नए निवेशकों की तरफ से कुल 1005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके माध्यम से करीब 2700 नए रोजगार का सृजन होगा। योगी सरकार की पहल पर गीडा के भीटी रावत सेक्टर 26 में 25 एकड़ भूमि पर 101 भूखंड का गारमेंट क्लस्टर विकसित किया जा रहा है।
इसमें 56 भूखंडों के आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम योगी मंच पर आवंटन पत्र सौंपेंगे। इस दौरान गीडा के अलग अलग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 67.86 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व 75.83 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी सीएम करेंगे। सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। नेपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वापसी पर भी उनका कुशीनगर में स्वागत करेंगे, उसके बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।